नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कि इस वीडियो में हमको पढ़ना क्या है, इस वीडियो में हमको कक्षा 10वीं से संबंधित संस्कृत के बारे में पढ़ना है। संस्कृत के दो पाठ, पाठ 10 जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम और पाठ 11 जिसका नाम है व्याघ्र पथिकथा। मतलब दोनों पाठ में कुल मिलाकर के 16 गो ऑब्जेक्टिव सवाल सेट हुआ है। मतलब 6 क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ से और 10 क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक कथा से। तो इन 16 क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखेंगे, जो आपके परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए पहला सवाल क्या है, कक्षा 10वीं के संस्कृत के पाठ 10 जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम। पहला सवाल है मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो इस सवाल को आप याद रखिएगा कि मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है जी, तो रामायण के अयोध्या कांड से। याद रखिएगा मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। ओके, अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण और सीता माँ को कितने वर्ष का वनवास हुआ था। तो ये आप रामायण देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि राम लक्ष्मण और सीता मैया को कुल मिलाकर 14 वर्षों का वनवास हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है रघुवंश काव्य के रचनाकार कौन है। रघुवंश काव्य के रचनाकार कौन है, तो कालिदास। कालिदास जो थे रघुवंश काव्य के रचयिता थे। और कालिदास के बारे में आप जानते ही होंगे, ये बहुत ही मूर्ख थे और बहुत ही मूर्ख से बहुत ही विद्वान बने। ठीक है, अगला प्रश्न है मंदाकिनी नदी में कौन सूर्य नमस्कार कर रहे थे। तो याद रखिएगा मंदाकिनी नदी में ऋषि मुनि सूर्य नमस्कार कर रहे थे। मंदाकिनी नदी में कौन सूर्य नमस्कार कर रहे थे, तो ऋषि मुनि। ओके, अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है। मंदाकिनी नामक जो पाठ है रामायण से लिया गया है, तो रामायण के जो रचयिता हैं वही तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के भी रचयिता हुए। इसलिए याद रखिएगा रामायण की रचयिता भी महर्षि वाल्मीकि हैं और मंदाकिनी वर्णम पाठ की रचयिता भी महर्षि वाल्मीकि हैं। ठीक है, अगला सवाल है जो इस चैप्टर का लास्ट सवाल भी है, मंदाकिनी नदी का दृश्य प्रभु श्री राम किनको दिखाते हैं। तो मंदाकिनी नदी का जो दृश्य है प्रभु श्री राम उस दृश्य को सीता माँ को दिखाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मंदाकिनी वर्णम पाठ से 2 सवाल सेट होता है। सब्जेक्टिव में 2 वाला सवाल यदि पूछता है मंदाकिनी वर्णम पाठ से, तो 2 सवाल पूछेगा। पहला सवाल पूछेगा कि मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्णन करें, मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्णन करें या उल्लेख बताएं। तो आप इसका आंसर इस तरह लिखिएगा कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है, वहाँ की जो शोभा है सुरक्षा है वह स्वर्ग से कम नहीं है। प्रभु श्री राम सीता माँ को कहते हैं कि हे प्रिय, ये देखो कितना सुंदर सुसज्जित जलाशय जिसमें चारों तरफ कमल ही कमल है, पहाड़ लग रहा है जैसे नाच रहा है, ऋषि मुनि सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, हंस बगुला चारों तरफ चहल पहल कर रहे हैं, और इस बगीचा को देखो यहाँ पर कितना अच्छे अच्छे फल है खाने को। तो सीता माँ बोलती हैं कि हाँ प्रभु, यह जो इलाका है मंदाकिनी वर्णम जो मंदाकिनी जो नदी है, ये जो नदी है स्वर्ग से कम नहीं है। तो यदि आप इस तरह लिखते हैं तो आपको 2 में 2 अवश्य मिलेगा। और एक सवाल इस तरह भी सेट हो सकता है, सवाल पूछ सकता है कि चित्रकूट में प्रभु श्री राम सीता माँ को क्या कहते हैं। तो चित्रकूट में ही मंदाकिनी नदी है और लगभग दोनों सवाल का आंसर सेम ही होगा। चित्रकूट में ही मंदाकिनी नदी है और मंदाकिनी नदी को देखते हुए प्रभु श्री राम सीता माँ से कहते हैं कि देखो प्रिय, देखो सीते, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो प्रकृति है, यहाँ का जो आवास है प्रवास है, कोई स्वर्ग से कम नहीं है, बहुत ही सुंदर सुसज्जित इलाका है। तो सीता माँ कहती है कि हाँ स्वामी, ये जो इलाका है स्वर्ग से कम नहीं है। तो ये तो हुई पाठ 10 के मंदाकिनी वर्णम पाठ की बात। अब हम अगले पाठ को देखते हैं जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। पाठ 11 है संस्कृत का, इसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। और इस पाठ कथा के लेखक कौन थे, तो नारायण पंडित। याद रखिएगा नारायण पंडित जो थे ना व्याघ्र पथिक कथा के लेखक थे।
व्याघ्र पोथी कथा का लेखक कौन थे? नारायण पंडित। ऐसे तो संस्कृत के सभी पाठ का लेखक नहीं है, लेकिन कुछ पाठ के लेखक है, तो उसको आप याद रख रखिएगा, क्योंकि उसी में से आएगा। इसे आलस कथा पाठ के लेखक कौन थे? तो विद्यापति। आलस कथा पाठ के लेखक कौन थे? विद्यापति। व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन थे? तो नारायण पंडित। ठीक है, व्याघ्रपति कथा में एक बाघ है जो कि उसे एक सोने का कंगन मिला है, वह सोने के कंगन ले लिया है और जलाशय के किनारे बैठ करके सभी राहियों से यानी आने जाने वाले लोगों से कह रहा है कि ओ राही मेरे पास आओ और ये सोने के कंगन ले जाओ। मैं युवा अवस्था में बहुत ही क्रूर था, बहुत ही नरभक्षी था, मैंने लोगों को मारकर बहुत खाया है, अब हम मैं बूढ़ा हो गया हूँ, देखो मेरे नाखून झड़ गए हैं, दांत भी नहीं रहे और मैं अपने पाप का पश्चाताप करना चाहता हूँ, इसलिए मैं दान करना चाहता हूँ, आओ मेरे पास और ये सोने के कंगन ले लो और मुझे दान के और मुझे कीर्तधन बना दो। ठीक है, तो कोई भी राही बाघ की बातों में नहीं आता था, सभी राही कहते थे तुम झूठ बोल रहे हो, हम तुम्हारे पास सोने के कंगन के लालच में आएंगे, तुम हमको मार करके खा जाओगे। तो बाघ बोलता था कि नहीं नहीं, मैं झूठा नहीं हूँ, मैंने बहुत पाप किया है अपने युवा अवस्था में, अब मैं पाप करना नहीं चाहता हूँ, अब मैं अपने इस पुण्य से पुण्य करके मैं कुछ अब मैं धर्मात्मा बन गया हूँ, अब मैं पहले ऐसा नहीं रहा, बाघ कहता है। कोई भी राही उसकी बातों में नहीं आता है, लेकिन एक लोभी राही बाघ की बातों में आ जाता है। जब वह राही बाघ के पास आता है कंगन लेने को, तो बाघ बोलता है कि पहले जलाशय में स्नान करके आओ और ये कंगन ले जाओ। तो जैसे ही मतलब पथिक यानी राही जलाशय में कूदता है स्नान करने के लिए, तो जलाशय क्या था? दलदल था, उसी में वो राही फंस जाता है और बाघ उसको मार करके खा जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी नरभक्षी जानवर पर विश्वास नहीं करना चाहिए और लालच बुरी बला है, लालच से दूर रहना चाहिए। तो इस चैप्टर के लेखक कौन थे? नारायण पंडित। और व्याघ्रपति कथा नामक पाठ में कुल मिलाकर 10 गो ऑब्जेक्टिव सवाल सेट हुआ है, आप इसको देखिए, इसमें से अवश्य 2 या 3 सवाल पूछेगा। पहला प्रश्न है व्याघ्रपथी कथा के लेखक कौन है? तो याद रखिए नारायण पंडित। व्याघ्रपथी कथा का लेखक कौन है? तो नारायण पंडित। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्याघ्रपथी कथा कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा जो व्याघ्रपथी कथा है वह हितोपदेश से लिया गया है और हितोपदेश एक ग्रंथ है और हितोपदेश यदि आप स्वामी विषित करते हैं तो क्या निकलेगा? हित प्लस उपदेश बराबर हितोपदेश। हितोपदेश यानी कहने का मतलब क्या? वैसा उपदेश जो समाज का कल्याण करे, लोगों को नेक राह पर चलना सिखाए, उसे ही हम हित प्लस उपदेश यानी हितोपदेश कहते हैं। तो याद रखिएगा ये जो कहानी है आपको लालच से दूर रखने के बारे में सिखाई है और नरभक्षी यानी मांसाहारी जानवरों पर विश्वास नहीं करना सिखाई है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इनमें से कौन नीति कथा ग्रंथ है? तो याद रखिएगा व्याघ्रपथिक जो कथा है नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है, क्योंकि ये जो कथा है हमको नीति की राह पर चलना सिखाती है, हमको नेक राह पर चलना सिखाती है। चौथा क्वेश्चन है किस कहानी को मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है? तो व्याघ्रपथिक कथा को ही मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। ओके, अगला प्रश्न है कौन तालाब के किनारे बैठकर ओ राही पुकार रहा था? तो बाघ ही तो पुकार रहा था ओ राही। अगला प्रश्न है बाघ के पास कितने सोने के कंगन थे? तो एक, और किस धातु के थे? तो सोने के। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन धर्मात्मा बनने का दिखावा कर रहा था? तो बाघ ही तो कह रहा था कि आओ कंगन ले जाओ, लेकिन वो झूठा था, कपटी था। अगला प्रश्न है कौन दलदल में फंस गया? तो एक राही जो था ना, राही को राही के जगह पथिक भी हो सकता है, पथिक कहिए राही कहिए यानी जा रहा था। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सवाल है व्याघ्रपथी कथा में कौन लालची था? तो राही यानी पथिक। लास्ट क्वेश्चन है किसके दांत और नाखून झड़ गए थे? तो बाघ
और वो झूठ बोल रहा था, ठीक है। तो इस तरह ये वीडियो ख़त्म हुआ। तो यदि आप चाहते हैं 12 पार्ट का वीडियो देखना, कुल मिलाकर संस्कृत में 14 का पार्ट है, फर्स्ट संस्कृत में, सेकंड संस्कृत का भी हम वीडियो लाएंगे, और सोच रहे हैं हिंदी का भी वीडियो अपलोड करें। तो यदि आप चाहते हैं हिंदी का वीडियो अपलोड करें तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप हिंदी का वीडियो बनाइए, कब से बना रहे हैं, हम आपके कमेंट को देखेंगे, हमारे अंदर जोश जगेगी, हम हिंदी का वीडियो आपके लिए अवश्य लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, आज तक बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।